रामचंद्र भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मेरे मन मंदिर में आ जाओ मेरे मन मंदिर में आ जाओ प्रभु राम की लो लगा जाओ प्रभु राम की लो लगा जाओ। है जग में तुमसे कौन परे है जग में तुमसे कौन परे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए भक्तों मासा प्राण दूसरा विश्राम जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिया था वहां से ही शुरू करते हैं। श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। सती समुझी रघुवीर प्रभाव भय बस शिव सन कीन दुराओ कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। गोस्वामी जी कहते हैं सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे श्री शिव जी से छिपाव किया और कहा हे स्वामी मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमृषा न होई मोरे मन प्रतीति अति सोई तब शंकर देखे करी ध्याना सती जो कीन चरित सबु जाना। सती जी ने कहा आपने जो कहा वह झूठा नहीं हो सकता मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब श्री शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा प्री सती जही झूठ कहावा हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुख से भी झूठ कहला दिया। सुजान श्री शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है सती कीन सेता सीता कर वेशा शिव उर भयो विषाद विशेषा जो अब करूं सती सन प्रीति मिटई भक्ति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया है यह जानकर श्री शिव जी के हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा यदि अब मैं सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग से लुप्त हो जाता हूं और बड़ा अन्याय होगा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम दोहा परम पुनीत ने जाहित जी किए प्रेम बड़ पापू प्रगति ने कहत महेशु कछु हृदय अधिक संताप सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। सती जी परम पवित्र हैं इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने से हृदय में बड़ा पाप उत्पन्न होगा। प्रगट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते परंतु उनके हृदय में बड़ा भारी संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमृत राम हृदय अस आवा एहि तन सती भेंट मोहि नाही शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया
और श्री श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती जी के इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी अपने मन में यह संकल्प करके चले दिए। अस विचारी शंकर उमति धीरा, चले भवन सुमिरित रघुवीरा, चलत गगन में गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। शिथर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। अस्पन तुम बीनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनी नब गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है, आप श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सचाते हुए श्री शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भाती, तद्यपि न कहूं त्रयु त्रिपुर आराती। हे कृपालु कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभो, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, दोहा भाग्य। सती हृदय अनुमान किए, सबु जानु सर्वज्ञ, कीन कपटु में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। भाग्य जलुपया सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली, विलग होई रसु जाई, कपट खटाई परम पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, अर्थात दूध फट जाता है और स्वाद और प्रेम जाता रहता है। हृदय सोतु समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथा सागर हैं, इससे प्रगट में मेरा उन्होंने कुछ भी अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अवलोक भवानी, प्रभु मोहित जेउ हृदय अकुलानी, निज अद समझि न कछु कहीं जाई, तपई इवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रूख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा हृदय से त्याग कर दिया है, और वे व्याकुल हो उठी। अपना पात समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आओ के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी वृषि केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कहलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती जी को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए वे विश्वनाथ कैलाश पर जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समझी पन आवन, बैठे बट तर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, दोहा। सती बस ही कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरुमुन को जान कछु जुग सम दिवस सिराही, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी,
उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जहूं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनी पति वचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फलु मोहि विदाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझ ही नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वसी मोही। उसका फल विदाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विदाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जसुगावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभो, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनव करूं कर जोरी, छूट हूं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और क्रम आचरण से सत्य है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करो सो बेगी उपाय। होई मरनु जही विनय श्रम, दूसे विपत्ति बिहाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहनीय विपत्ति दूर हो जाए। एह विधि दुखित प्रजेश कुमारी, एकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस स्तासी, तजि समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरण लागे, जाने सती जग जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश बहे तेई काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। श्री शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं कहो अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करण लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा भारी यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु ने समेत चले सुर सर्वा।
विष्णु विरंचि महेशु बिहाई, चके चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। श्री सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश से चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछूं तब शिव कहूं भवानी, पिता जग्य सुनी कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाई रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहें न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रससानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ नहीं कहती थी। आखिरकार सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। सती जी ने कहा, हे प्रभु, हे शंभु, हे अविनाशी, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नीक मोरे उमन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, पर यह मेरे मन को भी पसंद आई। पर उन्होंने हमें न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म संभा हम सक हम सन दुख माना, तेहि ते आजहुं करहिं अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सील स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइये न बिनु बोले उन संदेहा। तद्यपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। श्री शिव जी बोले, यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी वहां कोई विरोध नहीं मानता, और जहां कोई विरोध मानता हो उनके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसने ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाऊं जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। श्री शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा की न त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।
जपले बंदे श्याम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र भगवान की।